हेलो गाइस, मेरा नाम राजीव सक्सेना है और बच्चों मैंने आज मैथमेटिक्स का 2020 का जो पेपर आया था पार्ट थ्री इन सेट थ्री मैंने उसका सोल्यूशन डाला है और ये सोल्यूशन अभी बोर्ड ने नहीं भेजा है लेकिन मैंने अपनी ही पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको डाला है, इसलिए ये मेन जो आंसर होगा वो बोर्ड के द्वारा ही मान्य होगा लेकिन आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या आपने इस तरह से सोल्यूशन किए हैं। मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, इस सॉल्यूशन को मैंने फास्ट किया है क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए, इसलिए बच्चों इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, स्लो करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ टाइम बाद मैं फिजिक्स का भी वीडियो डालने वाला हूं और मैं कुछ क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस भी आपको डालूंगा। थोड़ा मैं बिजी रहने के बावजूद मैं आपको जरूर इंटरेक्ट करता हूं, तो बच्चों कोशिश ये करें कि आप मेरे को कमेंट करें जो इसमें प्रॉब्लम हो, और मैं चाहता हूं कि मैं सारा जो सॉल्यूशन हूं अपनी कॉपी पर दूं क्योंकि बोर्ड पर देने पर बच्चे कुछ कहते हैं विजुलाइज नहीं होता है, ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या ये तरीका सही है कि अगर मैं सारे क्वेश्चंस कॉपी में चेक करूं, कॉपी में सॉल्व करूं, तो क्या आपके लिए इसमें फील हो रहा है? नहीं होता है तो मैं आई गो टू द बोर्ड, मैं बोर्ड पर भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, और मेरे सब्सक्राइब करें, थैंक यू। ओके चिल्ड्रन, सेट थ्री का पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। इसका इफ ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज, इसका बी ऑप्शन सही है जीरो। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करा मैंने ए को एक मैट्रिक्स मान लिया 0 1 2 -1 0 1 0 -1 0। अगर मान लो इसको मैं डिटरमिनेंट एज्यूम कर लूँ, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लूँ 0 1 2 -1 0 1 -2 -1 0, तो इसमें से अगर मैं -1 कॉमन लेता हूँ तीनों रो से तो क्या होगा? ये बचेगा 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। अब देखिए ये है ए, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये हो जाएगा -1 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, यानी कि अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, करें ए ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस का 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। ये भी ए के बराबर हो जाएगा, ये भी माइनस ए हो जाएगा, तो इसलिए 2a = 0, इसलिए a = 0। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए बाप, दूसरे में दिया हुआ है कि इफ आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 90 डिग्री, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, तो हमें पता है आई क्रॉस, इसमें बी ऑप्शन होगा आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई मॉड जे मॉड साइन 90, इट मीन्स यू गेट 1। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, अब थ्री क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री है, पेपर देख लूँ मेरा क्या है। थर्ड क्वेश्चन, इफ अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज अ क्वीन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड इज टू बी अ कार्ड ऑफ स्पेड इज, इसका ऑप्शन सी सही है, सी सही है। क्यों? देखिए आप एक्सप्लेनेशन देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन में बोल सकता हूँ कि गिवन दिया हुआ है, सपोज गिवन दिया है पिक्ड कार्ड इज क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन या एन ऑफ क्वीन, नंबर ऑफ क्वीन इज 4, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज स्पेड हो, तो और एन इस क्वीन भी हो और एंड स्पेड भी हो, वो होगा हमारा 1। इसलिए प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्यू क्यू इंटरसेक्शन एस अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगी बेटा 1/4। ठीक है, ये निकल के आ सकती है।
क्वेश्चन नंबर फोर देखें। क्वेश्चन नंबर फोर में है, इफ ए इज द 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 8, वी हैव टू फाइंड आउट 3a mod। मैं लिख सकता हूँ 3x3 है तो 3 a mod इज इक्वल टू 27, a mod दिया है 8, तो इसके वैल्यू आएगी 216 आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू बार एक्स क्यूब डी एक्स, अगर मैं एक्स क्यूब को टी मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x2 dx इज इक्वल टू डी टी, इसे डी एक्स आ जाएगा डी टी बाई 3x2। अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ इक्वेशन में डाल दूँ तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स की जगह आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू बाई टी डी टी अपॉन 3x2, ये उड़ गया इससे, तो 1/3 इंटीग्रेशन ई टू बाई टी डी टी, ये हो जाएगा बेटा 1/3 ई टू पार एक्स क्यूब ई टू बार एक्स क्यूब प्लस सी, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर फाइव तो हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें। सिक्स है, इफ़ वाई इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर ऑन बेस ई, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log ई एक्स अपॉन ई, और इसे देखता हूँ 2 log ex माइनस का log ई, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये 1 होता है, इसका डेरिवेटिव करते हैं dy अपॉन dx जो आएगा वो आएगा 2 × 1 upon x - 0। अगर मैं इसको दोबारा डेरिवेटिव कर दूँ d2y/dx² तो हो जाएगा माइनस का 2 upon x², इसका मतलब इसका आंसर d सही है, आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है कि अ डाई इज थ्रोन वंस लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑफ ऑब्टेंड इज ग्रेटर देन 3। तो एक ए दिया हुआ है इसने, क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर सेवन अगर कहते हैं कि ए दिया है मेरे को द नंबर ऑब्टेन ग्रेटर देन थ्री तो ग्रेटर देन थ्री हो जाएंगे बेटा 4, 5, 6, और बी इज द इवेंट ऑफ द नंबर ऑप्टेन इज लेस देन फाइव बोले तो 1, 2, 3, 4 हमें निकालना है a union b। हमें पता है p a यूनियन b होता है p a प्लस का p b माइनस का p a इंटरसेक्शन b। यहाँ पर p a हो जाएगा 3/6 प्लस p b हो जाएगा 4/6 माइनस का इंटरसेक्शन कॉमन जो आएगा 1/6, यू विल गेट 6/6 इज इक्वल टू 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे, ए बी सी डी इज द रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD, और इसके ये डायगनल है, हमें पता है बाइसेक्ट करते हैं डायगनल, कट करते हैं, ये ई पॉइंट दिया है, इसके वेक्टर दिए हैं ये DE, EC एंड EB। तो ये हमें पता है, वी नो दैट कि AE मैग्नीट्यूड जो होगा EC के होगा एंड BE मैग्नीट्यूड DE के होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं AEA प्लस का EB प्लस का EC प्लस ED, EA एज इट इज, EB एज इट इज रख दिया मैंने, EC जो हो जाएगा माइनस का EA हो जाएगा और DE हो जाएगा माइनस का EB। ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, विल गेट द जीरो। क्वेश्चन नंबर एट भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर नाइन है, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन -2x + 6y - 3z इज इक्वल टू -7। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस लगाएंगे डी अपॉन, बिकॉज ओरिजिन से जा रहा है, अपॉन अंडररूट a² + b² + c² a² - 2 का² + 6 का² + -3 का² इज इक्वल टू जाएगा 7 अपॉन अंडररूट
सेवन, फोर्टी नाइन, ये कंटिन्यूअस बना जाएगा, वन यूनिट आएगा इसका आंसर। फोर थर्टी सिक्स नाइन मिला के हो जाएगा हमारा 49, और इसका स्क्वायर रूट बना जाएगा इसका, इसका मतलब आंसर क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 10 है इसके अंदर, द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटीज 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6, 2x प्लस का 3y इज ग्रेटर देन 6। हम बोल सकते हैं अगर इक्वेशन लिखें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, अगर x को 0 रख दें तो y आ जाएगा 2, अगर y को 0 रख दें तो x आ जाएगा 3। अगर मैं इसका ग्राफ एक्स एक्स वाई एक्सेस बनाऊं तो इसको डॉटेड देना होगा, एक्स पर 3 होगा, वाई पर 0, और ये हो जाएगा 0 2, इसे डॉटेड लाइन लेना होगा, और ये है ओरिजिन। ये बेसिकली अगर मैं 0 0 पुट कर दूं तो ये ग्रेटर ये फॉलो नहीं कर रहा है, 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6, सो द ग्राफ विल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन इसलिए बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डॉटेड विल नॉट, ठीक है बेटा, कंटेन द प्लेन, डॉटेड लाइन विल नो नॉट कंटेन द पॉइंट, इसलिए बी पार्ट सही है। बी पार्ट है हाफ प्लेन दैट नाइडर कंटेन्स द ओरिजिन, ओरिजिन भी नहीं रखता है, दूर जा रहा है, ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द लाइन 3x प्लस 2x प्लस 3y = 6। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन 11 है, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ऑर्डर ऑफ 3, ए दिया हुआ है मेरे को, ए डिटरमिनेंट दिया है 5, बी डिटरमिनेंट दिया है 3, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3AB डिटरमिनेंट होगा 3 का क्यूब, ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, तो 27 इंटू 5 इंटू 3 इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 405, ये भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों, 12 है, लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्स फंक्शन fx इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी अपॉन एक्स, ये इसका अगर मैं बोलूँ तो इसका इसका डिफरेंशियल कर देंगे पहले आप लोग, ये जाएगा बेटा ए माइनस का बी अपॉन एक्स स्क्वायर, फॉर लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू के लिए इसे जीरो पुट कर देंगे, तो ए माइनस का बी अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ए अपॉन बी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं इससे, ए इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस का बी अपॉन ए रूट आ गया। इसमें एक्स की वैल्यू या तो प्लस का रूट बी अपॉन ए होगी या माइनस का रूट बी अपॉन ए होगी, लेकिन इसने यहाँ बोला है एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसलिए एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए एक्स की वैल्यू अंडर रूट बी अपॉन ए होगी मिनिमा के लिए, मिनिमा, और इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं हम, अगर ये प्लेस कर दूं इक्वेशन फर्स्ट में तो एफ रूट बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए रूट बी अपॉन ए प्लस बी रूट ए अपॉन बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√ab, ये इसका आंसर होगा बच्चों, 2√ab इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स इतने एंड इतने, 3, 4, -7 से पास हुई और 1, -1, 6 से पास हुई, इसको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो x-x1 / b-a, x2-x1 - 2, y-y1 4 है ये, y-y1 / y2-y1 - 5 इज इक्वल टू z-z1 / z2-z1 - 13, इसलिए इसकी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी r वेक्टर इज इक्वल टू 3i cap + 4j cap - 7k cap + λ बन में से घटाया था तो जगह माइनस का 2i cap बल्कि 3, 4, -7, 1, 1, तो x-x1 / x2-x1 y-y1 / y2-y1
जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन सिक्स प्लस थर्टीन आएगा ये जेड टू माइनस जेड वन प्लस का 13, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 13 के कैप या 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 7 के कैप। अगर मैं इसे माइनस कॉमन ले लेता तब आता माइनस से डिवाइड कर देता तो आता प्लस का लैम्डा 2 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का 13 के कैप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बाप, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ये कहते हैं इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, इसका हमें निकालना है 14 का निकालना है हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे देखिए बाप, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको हमने निकाला है ये हो गया हमारा प्लस का 2y कैप, ये ठीक है आंसर हो गया हमारा। और ये दिया हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा बेटा x से डिवाइड कर दो dy वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इजिकल टू x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e टू बार पी डी एक्स 2 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा e टू बार 2 log x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर, 16 कहता है कि 16 क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कोफैक्टर निकालने हैं 1 माइनस 2 4 3 के, पहले माइनस निकाल लेंगे m11 इसको हाइड करेंगे तो आएगा माइनस m11 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम माइनस 2 m12 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम छिपाया था मैंने 3 आएगा सॉरी 3 पहली रो पहला कॉलम 3, फिर m12 आएगा पहली रो दूसरा कॉलम 4, फिर m21 दूसरी रो पहला कॉलम माइनस 2 और m22 दूसरी रो दूसरा कॉलम ये आएगा 1। अब इसके कोफैक्टर्स निकल सकते हैं तो c11 होगा 3, c12 होगा माइनस का 4, c21 होगा 2 और c22 होगा 1, तो इसके आंसर आएगा 3 माइनस का 4 2 1, ये आ गया 3 माइनस 2 2 1 3 माइनस 4 2 1। इसको शॉर्टकट में हम ये भी कर सकते थे कि इसको हम क्या करते, इन दोनों को रिप्लेस कर देते, इंटरचेंज कर देते और इन दोनों को इंटरचेंज करके साइन चेंज कर देते, माइनस कर देते, यानी कि ये देखिए 1 3, ये 3 1 और ये इंटरचेंज कर देंगे तो भी आंसर आ सकता था हमारा, शॉर्टकट हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है इसने भाई, ये कहता है कि हमें लेट अस fx इज इक्वल टू x मॉड x, fx इज इक्वल टू x मॉड x, तो कहते हैं कि हमें रियल नंबर पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है। अगर मैं LHD निकाल दूं, LHD वो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस का f 0 अपॉन माइनस का h, ये हो जाएगा बेटा ये जाएगा माइनस का h मॉड अपॉन माइनस h। अगर मैं इससे कट कर दूं तो 0 आएगी, ऐसे ही RHD भी आ जाएगी इसकी, RHD आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0 अपॉन h, ये हो जाएगा h mod अपॉन h, इससे कैंसिल हो जाएगा फिर 0 आएगा, तो LHD इज इक्वल टू RHD, यानी कि ये डिफरेंशियबल है। और दूसरा मेथड हम कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव कर दें, fx को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं, अगर मैं डिफरेंशियल लूँ तो ऊपर हो जाएगा 2x, ऊपर हो जाएगा 2x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, या माइनस 2x हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। अब मैं यहाँ भी देख सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि f डैश 0 निकालूँ तो LH
एल एस डेरिवेटिव जो आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आएगा 2 इंटू 0 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आएगा माइनस 2 इंटू 0, ये भी 0 आया, तो इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये डिफरेंशियबल है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स माइनस का साइन बाहर ले लिया क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये 2 पाई प्लस का पाई बाई 8 हो सकता है, 8 टू 16 17 बाई 8 ओके, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा साइन पाई बाई 8 साइन इनवर्स माइनस का आ गया साइन पाई बाई 8, इससे पाई बाई 8 की वैल्यू आ गई, ये आंसर हो गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 19 देखें, क्वेश्चन नंबर 19 ये डेफिनेट इंटीग्रल से आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि अगर इंटीग्रेशन 1 टू 4 x माइनस 5 मॉड dx निकालना है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, i इज इक्वल टू 0 टू 4 x माइनस 5 मॉड है, ये मॉड है, माइनस का आएगा यहाँ तक और इसके बाद ग्राफ इसका चेंज होगा 4 टू 5 ये पॉजिटिव x माइनस 5 dx आएगा, अगर मैं इसका इंटीग्रल कर दूँ तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 5x ये हो जाएगा, ये माइनस का 0 टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 5x ये हो जाएगा 4 टू 5, अगर मैं सॉल्व करूँगा इनकी वैल्यू डालने के बाद इसकी मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल दूँ तो मैं ये देखता हूँ इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 15/2, इसकी वैल्यू 15/2 आती है, चेक कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखें अब आप ज़रा, मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में कि fx दिया है x टू 4 माइनस का 10, तो हमें अप्रोक्सीमेट निकालनी है वैल्यू, तो मैंने मान लिया f 2.1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बोला कि इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने मान लिया x नॉट तो यहाँ पर 2 है, h जो है 0.1 है, तो मैं सीधा फॉर्मूला लाऊंगा इसका f डैश x आ जाएगा 4x³, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा f डैश x इज इक्वल टू f x नॉट प्लस का h f डैश x नॉट, अगर मैं एफ एक्स नॉट की वैल्यू डाल दूँ तो यहाँ पर एफ एक्स तो है ये, तो अगर मैं नॉट डालूँगा तो 2 टू जो 4 टू जो 8 टू जो 16 टू जो 32 2 टू जो 4 टू जो 8 टू जो 16 16 में से 10 गए तो बचेंगे 6 माइनस प्लस का 0.1 एफ एफ डैश एक्स, अगर मैं 2 डाल दूँ 2 टू जो 4 टू जो 8 8 4 जो एक मिनट ये दिया हुआ है मेरे को एक्स टू का 4 और 2 टू जो 4 टू जो 8 टू जो 16 माइनस का 10 यू विल गेट 6 ओके, फिर h डाल दिया 0.1 फिर एफ डैश एक्स हो जाएगा ये 2 टू जो 4 टू जो 8 4 जो 32 ये हो जाएगा 32 ये 32 है तो जाएगा 6 प्लस 3.2 ये हो जाएगा 9.2 इज द आंसर, ये भी हो गया, ये हमारा ए पार्ट फिनिश हो गया। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बी पार्ट का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा।